नमस्कार फ्रेंड, मैं रंजीत रोजाना अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं नरेगा और जॉब कार्ड के बारे में बताऊंगा। अगर आपका जॉब कार्ड है और आप कहीं भी काम किए हैं और आपको पैसा नहीं मिला है या फिर पैसा मिलने पे थोड़ी देर हो गई है, तो आप खुद ही अपने फ़ोन से चेक कर सकते हैं कि मेरे अकाउंट में पैसा आया है या नहीं आया है। और आप ऑनलाइन जॉब कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये भी पता कर सकते हैं कि हमारे ग्राम प्रधान के द्वारा और मुखिया के द्वारा जो पैसे की निकासी की जाती है, मानिए अगर किसी व्यक्ति का पीएम आवास मिला हो या फिर कुआं मिला हो या फिर किसी अन्य नरेगा के अंतर्गत आने वाले लाभ अगर आपको मिले हैं और उसके अंतर्गत जो पैसे की निकासी होती है, उसकी जानकारी भी आप इस वीडियो पे पाएंगे। तो इस वीडियो पर हमेशा बने रहिए और स्किप नहीं कीजिए, नहीं तो आप जान नहीं पाएंगे कि कैसे देख सकते हैं। तो इससे पहले मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बजा दीजिए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहले हमने अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। उसके बाद सर्च वाले आइकन पे नरेगा लिख के सर्च कर देना है। उसके बाद फर्स्ट वाले ऑप्शन पे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट में क्लिक कर देना है। उसके बाद ये जो प्रचार आएगा COVID-19 का, इसको हटा देना है। उसके बाद इसको यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा जूम कीजिएगा, यहाँ पे देखिए जॉब कार्ड, उसके बाद मास्टर रोल लिखा हुआ है। मास्टर रोल पे आप क्लिक करेंगे तो ग्राम प्रधान और मुखिया के द्वारा जो पैसे की निकासी की जाती है उसके बारे में आप यहाँ से जान सकते हैं। लेकिन जॉब कार्ड में क्लिक कीजिए, आप यहाँ से देख सकते हैं कि किनका जॉब कार्ड है, आपका लिस्ट में नाम है या नहीं, ये आप चेक कर सकते हैं, या फिर आप जहाँ पर काम किए हैं वो पैसा आपका आया है या नहीं। तो यहाँ पर आपको स्टेट चूज करने के लिए के पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे स्टेट चूज कर लेते हैं। तो मैं फ़िलहाल झारखंड से हूँ तो झारखंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर मांग रहा है, आप यहाँ पे कोई भी ईयर दे सकते हैं, है ना। चलिए मैं 2019 लेता हूँ। अब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, अब जिस किसी डिस्ट्रिक्ट से हैं वहाँ सेलेक्ट कर लें। तो मैं रामगढ़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ब्लॉक रामगढ़ शहर के जितने सारे ब्लॉक हैं सारे आ जाएंगे। अब यहाँ में से एक ब्लॉक को चूज कर सकते हैं, तो मैं चित्रपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पंचायत, चित्रपुर प्रखंड के जितने पंचायत हैं सारे पंचायत के यहाँ लिस्ट आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ सुक्रीगढ़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं प्रोसीड कर दूँगा। तो ये देखिए अब यहाँ पे खुल गए हैं, जितने सुक्रीगढ़ पंचायत में जितने सारे मनरेगा के तहत जॉब कार्ड बना है वो सारे कार्ड के लिस्ट आ जाएंगे। यहाँ पे आप एक एक करके अपना नाम देख सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे नाम नहीं हो तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूँगा। तो इसी तरह की खबर पाने के लिए आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन वाली घंटा बजा दीजिए, ताकि मैं जब भी किसी कोई किसी भी वीडियो अपलोड करूँ